गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट इंग्लिश रीडर चैप्टर 3 रीड इट। जॉन इन लक यानी जॉन का भाग्य। जॉन वॉज ए चेयरफुल बॉय। जॉन एक हंसमुख लड़का है। ही हैड हैप्पीली सर्वेड हिज मास्टर फॉर 7 ईयर्स। वह 7 साल से अपने अध्यापक की सेवा कर रहा है। नाउ ही लेफ्ट फॉर होम एज अ फेयरवेल गिफ्ट हिज मास्टर गेव हिम अ लंप ऑफ गोल्ड। अब वह अपने घर जा रहा था। विदाई में उसके अध्यापक ने उसे सोने की एक पोटली दी। ड्यूरिंग हिज जर्नी जॉन मेट अ हॉर्समैन। अपनी यात्रा के दौरान जॉन एक घुड़सवार से मिला। सीइंग द मैन राइड मेरिली उसने उस आदमी को घोड़े पर देखा और खुश हुआ। जॉन एक्सचेंज हिज गोल्ड फॉर हॉर्स एंड ट्रॉटेड अवे। जॉन ने जो उसके अध्यापक ने उसे जो गोल्ड दिया था उसके बदले में जॉन ने उस घुड़सवार से उसका घोड़ा ले लिया। यानी कि जॉन ने अपने गोल्ड को देकर उसका घोड़ा उससे ले लिया। नेक्स्ट हाउ एवर व्हेन जॉन पुश्ड द हॉर्स टू रन फास्टर ही वॉज थ्रो ऑफ। फिर भी जॉन ने जब घोड़े को फास्टर तेज दौड़ाने की कोशिश की जोर डाला तो उस घोड़े ने जॉन को फेंक दिया। देन जॉन से अ कंट्रीमैन विथ अ काउ। जॉन एक आदमी जो गाय के साथ था उससे मिला। जॉन ट्रेडेड हिज हॉर्स फॉर द काउ। जॉन ने हॉर्स से उस गाय को अदला बदली कर लिया। यानी जॉन ने जो गाय थी जिस आदमी के पास उससे अपने गोल्ड को देकर उससे उसकी गोल्ड नहीं सॉरी घोड़े को देकर उससे उसकी गाय ले ली। आफ्टर सम टाइम जॉन स्टॉप एट अ मूर टू मिल्क द काउ। बाद में कुछ समय बाद जॉन एक खुले मैदान में रुका उस गाय का दूध निकालने के लिए। ए बुचर पासिंग बाय टोल्ड जॉन दैट हिज काउ वॉज टू ओल्ड टू बी मिल्केड। वहाँ से एक कसाई गुजर रहा था तब उसने जॉन से बोला कि ये गाय जो है जो तुमने ली है ये दूध देने के लिए बहुत बूढ़ी है। जॉन टुक द बुचर गॉट इन एक्सचेंज फॉर हिज काउ। तब जॉन ने उस गाय के बदले में उसकी बकरी ले ली। उसने उस कसाई से अपनी गाय को बकरी में बदल लिया। नेक्स्ट जॉन मेट अ मैशन एट एक्सचेंज हिज गॉट विद द मैशन्स ग्रीन स्टोन। बाद में जॉन एक मजदूर मिस्त्री कारीगर जो कि मकान बनाते हैं उनसे मिला। तब उस मिस्त्री ने उस कारीगर ने उसकी बकरी के बदले में उसे सान के पत्थर दिए। दे हैवी स्टोन सून वह पत्थर भारी थे जिसके वजह से टायर्ड जॉन जिसके वजह से पत्थर भारी होने की वजह से जॉन थक गया। ही वेंट टू अ बेल टू ड्रिंक वाटर एंड ड्रॉप द स्टोन।
वह पानी पीने के लिए एक कुएं के पास रुका। इनसाइड बाय मिस्टेक तब उसके पत्थर जो थे, स्टोन जो थे, गलती से उस कुएं के अंदर गिर गए। जॉन रन होम एम्प्टी हैंडेड बट स्टिल हैप्पी। जॉन भागता हुआ अपने घर गया पर वहाँ खुश था।